सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है पानी रे पानी। पानी रे पानी में जलचक्र की किताबी बात को आगे बढ़ाकर अकाल और बाढ़ की परिस्थिति को समझाया गया है। इससे हमें हर जगह फैल रहे जल संकट को समझने और उसे सुलझाने का भी रास्ता मिलता है। पानी रे पानी। कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पहले मरूंगा। मैं पहले मरूंगा। देखा है कि सबसे पहले हमारी बारी है भैया। हम कब तक लाइन में लगे रहेंगे? रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ये तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं।
की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। ये कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग
इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भू जल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। हक की बात, आजादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। जब जरूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छिनते हैं। हमारे समाज में जरूरतों से जुड़े और कौन से मुद्दे हैं जहां हमें बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता और कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा में और घर पर बड़ों के साथ चर्चा करो। पानी रे पानी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख अनुपम मिश्र, कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।